हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट एसोसिएशन टीम के यूपीएससी जनरल स्टडी 2 सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये होगा हमारा कन्वर्सेशनल सेगमेंट। बातचीत के लहजे में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस सेगमेंट में आज का टॉपिक है जोनल काउंसिल्स, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद है। अब चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जोनल काउंसिल्स के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। जोनल काउंसिल्स के बारे में हम इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि जोनल काउंसिल्स की मीटिंग जो है वो जनवरी 2020 में होनी है, और जोनल काउंसिल्स की मीटिंग के लिए जो लीडिंग कोऑर्डिनेटर होगा जो भी स्टेट, उसका नाम है महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे होस्ट नहीं बताया है, लीडिंग कोऑर्डिनेटर बताया है, ठीक है। एक काउंसिल में 4 या 5 स्टेट्स होते हैं या 7-8 भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके एक जोनल काउंसिल बनती है ना। तो लेकिन सारे जोनल काउंसिल्स की मीटिंग जनवरी 2020 में, और लीडिंग कोऑर्डिनेटर कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। लीडिंग कोऑर्डिनेटर का मतलब समझिएगा, वो ये है कि भाई महाराष्ट्र जहां भी चाहेगा वो स्टेट जोनल काउंसिल की मीटिंग की मेजबानी कर लेगा, ठीक है। ये आई बात यहां पर, ठीक। अब चलिए हम ये पढ़ते हैं कि जोनल काउंसिल्स क्या है, किस तरह की संस्था है। ये विमर्शी और सलाहकारी विधायी संस्थाएं हैं जिनका गठन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया था, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब है कि एक तो एडवाइजरी बॉडी है और विचारशील संस्था है ये। और ये किस तरह की निकाय है, किस तरह की एजेंसी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी है यानी विधायी है और संवैधानिक नहीं है। अब इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था इसका गठन, किसका? जोनल काउंसिल्स का, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ। जोनल काउंसिल जो होती है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि राज्यों के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य बनाए रखना, है ना। क्या होता है? राज्यों के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य बनाए रखना। तभी तो एक जोनल काउंसिल में 7-8 स्टेट्स हैं, ठीक। तो इस तरह से भारत में कितनी जोनल काउंसिल्स हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। भारत में 5 जोनल काउंसिल्स हैं, है ना। अब जोनल काउंसिल्स के नाम भी आप सुन लीजिए और उनके जो उन जोनल काउंसिल्स में राज्य हैं उनके भी नाम आप सुन लीजिए। देखिए, पहली जोनल काउंसिल है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, है ना। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। अब देखो, इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस काउंसिल में आ गए, ठीक है। कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और जम्मू कश्मीर, साथ में लद्दाख, ठीक। ये हो गए नॉर्दर्न काउंसिल के स्टेट्स एंड यूटीज। अब हम चलते हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल की तरफ। सेंट्रल यानी कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, ठीक, सेंट्रल जोनल काउंसिल। अब देखो, इसमें 4 स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक हम आपको आराम से बता देते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश से बना कौन सा स्टेट? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश से बना कौन सा स्टेट? छत्तीसगढ़। बस सीधा सीधा याद कर लीजिए। जो
पिता राज्य और जो उसका बेबी है वो, ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है, समझ में आ गया। यह हो गई सेंट्रल जोनल काउंसिल। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल की। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से हैं? बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। देखो आप कैसे याद करेंगे इसको। बिहार से निकला कौन सा राज्य? झारखंड, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल याद कर लीजिए, ठीक है। बिहार के जो पड़ोसी भाई हैं वो कौन है? ओडिशा है ना, और ओडिशा ने पश्चिम बंगाल को भी खींच लिया, चलो हमारे साथ। तो इस तरह से कौन कौन सा स्टेट आया यहां पे? बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक, ईस्टर्न जोनल काउंसिल था ये। नेक्स्ट चलते हैं वेस्टर्न जोनल काउंसिल, पश्चिमी जोनल काउंसिल। देखिए कौन कौन सा राज्य आएगा, आपको क्या लगता है? वेरी गुड, गुजरात आएगा, गोवा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, और महाराष्ट्र से लगे लगे जो यूनियन टेरिटरीज हैं दादर, नगर हवेली, दमन और दीव, ये सारे के सारे वेस्टर्न काउंसिल में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है सदर्न काउंसिल, साउथ के। अब साउथ में कौन कौन सा आएगा? वो जो साउथ इंडियन स्टेट्स है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये सब जो हैं सदर्न काउंसिल में आ जाएंगे, ठीक है। और पुदुचेरी, ये जो वो है क्या नाम है, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, ये आएगा सदर्न काउंसिल में, ठीक। इस तरह से क्लियर हो गया, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न काउंसिल, पांच काउंसिल हो गई। चलिए अब देखो, आप कुछ कुछ सोच रहे होंगे कि असम है, मेघालय, नागालैंड है ना, मणिपुर, ये सब जो स्टेट्स हैं उनका क्या हाल है? तो देखो यहां पे अब इनकी हम बात करेंगे। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, साथ में सिक्किम, ये इन राज्यों को जोनल काउंसिल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। किसको किसको? असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक, इनको जोनल काउंसिल में शामिल नहीं किया गया है। और ये कौन से उसमें आते हैं? कोई काउंसिल है इनकी? हाँ बिल्कुल है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। कौन सी काउंसिल? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के जो राज्य हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था। किसका? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो आप ये कहिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत हुआ था, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब हम पढ़ते हैं ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला सवाल कि ये जो जोनल काउंसिल्स हैं इनके चेयरमैन कौन होते हैं? जोनल काउंसिल के चेयरमैन, सारे जोनल काउंसिल को मिला के एक चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? देश का गृह मंत्री, ठीक है। अब हमारे देश के गृह मंत्री अभी के डेट में कौन है? वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी। तो यानी कि जो जोनल काउंसिल्स हैं उनके चेयरपर्सन कौन हुए? अमित शाह जी, है ना। चलिए अब वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं, तो वाइस चेयरमैन संबंधित जोनल काउंसिल के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास एक एक वर्ष के लिए वाइस चेयरमैन का पदभार संभालने का दायित्व तो होता है, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि रोटेशनल बेसिस पे
एक-एक जोनल, मतलब एक-एक जोनल काउंसिल चलो ले लिया, नॉर्दर्न का है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में जितने भी स्टेट्स हैं मान लो, तो उनके जो मुख्यमंत्री होंगे उनके पास एक-एक साल के लिए रहेगा किसका पद, वाइस चेयरमैन का, है ना। सदन का अलग होगा, वेस्टर्न का अलग होगा, है ना, ईस्टर्न का अलग है, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। अब देखो सदस्य, ये तो समझ लिया आप, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, नहीं तो आप ऐसा गाने ना लगना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ऐसा ना गाना भैया, नहीं तो समझ गए ना, बेइज्जती खराब हो जाएगी। चलिए सदस्यों की संख्या देखते हैं कौन कौन है। जोनल काउंसिल से संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा चुने गए हर संबंधित राज्य के दो दो मंत्रियों के अतिरिक्त और संबंधित जोनल काउंसिल में आने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के दो सदस्य। कौन कौन सदस्य होते हैं? देखो पहले तो होते हैं कि जो भी जोनल काउंसिल हैं, जैसे सेंट्रल जोनल काउंसिल है चलो सपोज करूं, तो उसके जितने भी राज्य हैं, है ना, उनके मुख्यमंत्री, ठीक है, समझ गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और ये क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, इनके सबके मुख्यमंत्री, ठीक। अब सारे राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, इसके बाद राज्यपाल इन राज्यों से दो दो मंत्रियों को चुनेंगे, है ना, सदस्यों के रूप में, वो हो गए भाई जोनल काउंसिल के सदस्य, हर राज्य से दो दो मंत्री, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश से भी कोई सदस्य चुने जाएंगे दो दो, तो वो हो गए जोनल काउंसिल के मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, इसके सलाहकार का चुनाव नीति आयोग द्वारा किया जाता है ना। जो जोनल काउंसिल है उसके एडवाइजर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? पहले किसके द्वारा किया जाता था? प्लानिंग कमीशन द्वारा, यानी योजना आयोग के द्वारा। अब जब योजना आयोग खत्म कर दिया गया, कब से खत्म किया गया? 1 जनवरी 2015 से शुरुआत हुई, किसकी? नीति आयोग की, है ना। अब नीति आयोग जो नीति है उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो ये जो नीति आयोग है वो जोनल काउंसिल के एडवाइजर का चुनाव करता है, ठीक है। जोनल काउंसिल का एक मुख्य सचिव और एक डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। कौन होता है? एक मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी, और एक डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। कौन कौन सा पद होता है? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है, समझ गए। जिसका चुनाव जोनल काउंसिल संबंधित राज्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो चीफ सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनका चुनाव कैसे होता है? जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम बताए थे ना आपको, उत्तर सेंट्रल जोनल काउंसिल के स्टेट्स मान लो, ठीक। तो अगर उनको चुनाव करना है अपने चीफ सेक्रेटरी का और डेवलपमेंट कमिश्नर का, तो वो सारे राज्य मिल करके चुनाव करेंगे, ठीक है। ये किस जोनल काउंसिल के राज्य हैं? सेंट्रल, ठीक। नाउ जोनल काउंसिल्स की बैठकों में आवश्यकता अनुसार केंद्रीय मंत्रियों के भाग लेने का प्रावधान भी रखा गया है। देखो अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो यहां पे ये केंद्रीय मंत्रियों को अधिकार प्राप्त है कि वो जोनल काउंसिल्स की बैठकों में भाग ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जब तक जरूरत इतनी ना हो तब तक ना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जोनल काउंसिल्स के चार मुख्य उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है राष्ट्र के एकीकरण को बढ़ावा देना। दूसरा, भाषावाद और क्षेत्रवाद जैसी अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकना। तीसरा, विचारों और अनुभवों के सह संचालन के लिए केंद्र और राज्यों को सक्षम बनाना। और चौथा होता है कि विकास परियोजनाओं के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित करना, ठीक
ठीक है, ये चार मुख्य उद्देश्य होते हैं या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, जोनल काउंसिल्स के। ठीक, अब दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म। अब बातचीत का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ये थोड़ा सा प्रवचन टाइप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे कि जब बातचीत करने आए तो थोड़ा सा मसाला चटकारेदार लेके आए हैं ना, तो ताकि एकदम बढ़िया मजा आ जाए। ठीक, अब हम सेगमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।